हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दीपावली पर्व पर 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्ति पीठ में की पूजा अर्चना। सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। वर्षों की परंपराओं का निर्वहन करते हुए कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव में मनाई दीपावली। लाखों की योजनाओं का दिया गिफ्ट। कहा, गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाना ही सबसे अच्छी दिवाली। किया आह्वान। कहा, दीपावली पर जरूर जलाएं एक दीप सैनिकों के नाम। राजस्व ग्राम वनटांगिया में दीपावली मनाने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव वासियों को दिया दीपावली का 66,77,000 रुपए का तोहफा। डिजिटल अनार से दीपावली जैसा हुआ माहौल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वनटांगिया गांव में लगाया गया विभिन्न सरकारी विभागों का स्टॉल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अवलोकन। गर्भवती महिलाओं का किया गोद भराई। बच्चों को कराया अन्न प्राशन। दीपों के महापर्व दीपावली पर वनटांगिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गांव का भ्रमण। विकास कार्यों का लिया जायजा। ग्राम वासियों के घरों में जलाए दिए। दीपावली की दी शुभकामनाएं। दीपावली में आतिशबाजी के लिए गुलजार रहा पटाखा बाजार। लोगों ने जमकर की पटाखा की खरीदारी। तेज आवाज की तुलना में लोग रंग बिरंगी रोशनी वाले पटाखे ज्यादा किए पसंद। दीपावली पर्व पर महानगर में फूलों की हुई जमकर बिक्री। लोगों ने की खूब खरीदारी। गदगद दिखे फूल कारोबारी। गोरखपुर में शनिवार को मिले 44 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,526। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 385 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और दीपावली पर्व पर महानगर में विभिन्न स्थानों पर गणेश व लक्ष्मी की स्थापित हुई प्रतिमाएं। भक्ति गीतों से देर रात तक पूरा भक्तिमय हुआ वातावरण।